क्लास तो द हिंदू वोकैबुलरी हम देख रहे थे, उसको कैसे लर्न कर रहे थे हम रूट वर्ड से। तो आज वही सारी आपके जो भी है वकैब अब बोर्ड पे चलेगा क्योंकि पेज पे तो विजिबल ही नहीं होता अच्छे से, तो अब सारी की सारी क्लास आपकी बोर्ड पे चलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही आगे चल रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे मॉर्फ, ना मॉर्फ पढ़ रहे थे, ठीक है मॉर्फ पढ़ रहे थे। मॉर्फ का मतलब मैं आप लोग को बताया था, क्या बताया था कि शेप या फॉर्म। तो उसी में आगे चलते हैं। तो एक तो पहले आप लोग जो भी मैं क्लासेस कराया हूँ, ठीक है, देखो लॉकडाउन में जो भी चीजें मिल रही है आपको एजुकेशन से रिलेटेड, उसका यूज करवाओ। ठीक है, आगे पता नहीं किसी को टाइम मिले ना मिले, देखो टाइम का वेट मत करो कि अच्छा टाइम आएगा तब ये करेंगे, नहीं, टाइम हमेशा खत्म ही हो रहा है ना, टाइम तो जा ही रहा है, तो अच्छे टाइम का वेट मत करो, स्टार्ट करो आप लोग आज से ही स्टार्ट करो। ठीक है, अब पहला वर्ड देखते हैं ब्रैकीमॉर्फिक। ब्रैकीमॉर्फिक क्या मतलब, ब्रैकीमॉर्फिक, ब्रैकीमॉर्फिक। तो देखो ब्रैकी में सबसे पहले देख लो कि ये जो ब्रैकी वर्ड है, ये जो ब्रैकी, इसका मतलब क्या होता है। ब्रैकी मीन्स होता है मिनिएचर, मिनिएचर। अब देखो मिनिएचर मीन्स क्या होता है, अब मिनिएचर का भी मतलब देखो, आप मैं तोड़ तोड़ के वर्ड को बताऊंगा और उसके एक एक पार्ट का मीनिंग बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनो। तो मिनिएचर मीन्स क्या होता है, शॉर्टर, शॉर्टर। अब मॉर्फ मीन्स बताया था मैं, मॉर्फ मीन्स क्या बताया था, शेप। तो शॉर्टर शेप मतलब जो आप सोच रहे थे उससे भी कम शेप, तो क्या हो गया, अ शॉर्ट शेप। इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया अ शॉर्ट शेप, एक शॉर्ट शेप, तो एक शॉर्ट शेप हो गया। मीन्स इसका क्या हो गया कि शेप्स दैट आर शॉर्टर, शॉर्टर देन यूजुअल, मतलब यूजुअल थिंग से शॉर्टर थे, है ना। तो क्या हो गया, ब्रैकीमॉर्फिक। ब्रैकी मीन्स हो गया आपका मिनिएचर, शॉर्टर, और मॉर्फ मीन्स शेप, तो छोटा शेप और शॉर्ट शेप, सिंपल है। समझ में आ गया ना आप लोग को, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखो दूसरा वर्ड है कैकोमॉर्फोसिस, कैकोमॉर्फोसिस, कैकोमॉर्फोसिस। ठीक है, तो कैकोमॉर्फोसिस देखो किसी भी वर्ड में आपका आपका एक काका जुड़ जाए ना कैको, तो कैको का मतलब होता है बैट। क्या होता है, कैको मीन्स बैट। मॉर्फ मीन्स में बताया था आपको, मॉर्फ मीन्स बताया था आपको शेप या फॉर्म, शेप या फॉर्म। ओ मीन्स बताया था आपको ऑफ। देखो किसी भी वर्ड को तोड़ तोड़ के आप उसका अर्थ निकाल सकते हो अगर रूट वर्ड आपको समझ में आ गया। और शिस मीन्स में क्या बताया था, प्रोसेस, प्रोसेस या सिस्टम, तो प्रोसेस या सिस्टम होता है शिस। ओ मीन्स ऑफ, मॉर्फ मीन्स शेप या स्ट्रक्चर। कैको किसी भी चीज में जुड़ गया तो उसका मतलब क्या होगा, बैड। जैसे कैको से रिलेटेड कुछ वर्ड देख लेते हैं, देखो कैलीमॉर्फ होता है, ठीक है, कैलीमॉर्फ नहीं, कैलीमॉर्फ। उससे भी पहले एक चीज देख रहे हैं, कैकोमॉर्फ देखते हैं, कैकोमॉर्फ। कैकोग्राफ होता है आई थिंक, मैंने थोड़ा सा गलती, कैको, सॉरी बच्चों, कैको ग्राफी। अब देखो मैं एक चीज आप लोग को पहले भी बता दिया था कि कैको का मतलब क्या होता है, कैको का मतलब क्या होता है, बैड। और ग्राफी मैं बता दिया था, ग्राफी मीन्स क्या होता है, राइटिंग। तो क्रैकोग्राफी मीन्स क्या हो सकता है, बैड राइटिंग, जो गलत लिखे, है ना, जो अच्छा, मतलब गलत नहीं, जो सुंदर नहीं लिखे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, बैड इन राइटिंग, बैड इन राइटिंग। देखो एक ही वर्ड से कितने वर्ड निकल रहे हैं नए नए। ठीक है, अच्छा अगर इसका एग्जाम्पल देखो तो डॉक्टर, डॉक्टर्स आर कैकोग्राफिक, क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं कैकोग्राफिक। ठीक है, लिखावट उनकी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो अगर इसका ही अगर हम लोग क्या देखें, इसका हम लोग अगर एंटानिम्स देखो तो क्या हो जाएगा, देखो इसका एंटानिम्स अगर देखना चाहते हो तो इसका एंटानिम्स क्या हो जाएगा, कैलीग्राफ। कैको है तो कैली, कैली ग्राफ क्या होगा, कैलीग्राफ। तो देखो कैली मीन्स क्या होता है, एक मीनिंग निकल जाएगा कि कैली मीन्स आपको आपका होता है गुड, तो क्या हो जाएगा, सिंपल। और ग्राफिक मीन्स लिखना, तो गुड इन राइटिंग, गुड इन राइटिंग। ठीक, तो गुड इन राइटिंग क्या हो जाएगा, कैलीग्राफी।
कैकोग्राफी का जगह बैंड राइटिंग डॉक्टर्स, ठीक है चलो। कैकोमॉर्फोसिस, तो कैकोमॉर्फोसिस मीन्स क्या होगा, देखो द प्रोसेस ऑफ हैविंग हार्ट शेप, मीन्स द प्रोसेस ऑफ हैविंग बैड या हार्स शेप, प्रोसेस ऑफ हैविंग बैड या हार्स शेप, बुरा ना, बैड से, प्रोसेस जिसमें बैड से ना, समझ गया ना, इसी वर्ड से ही आप लोग इसका अर्थ निकाल सकते हो। मीन्स क्या है कि कोई फिजिकली क्या है बहुत बुरा लगता है, ठीक है, फिजिकली, फिजिकली द प्रोसेस ऑफ हैविंग बैड सॉर्ट्स, बैड या हॉर्स से, तो क्या हो गया कैकोमॉर्फोसिस। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो तीन ही वर्ड है लेकिन कितना टाइम लगा, लेकिन इस टाइम में हमने एक भी टाइम वेस्ट नहीं किया, एक एक वर्ड के बारे में अलग अलग चीजें सीखे, तो इसका आप लोग ध्यान रखा करो, एक भी चीज गलत ना, गलत पढ़ाई जाए आप लोग बोल देना, ठीक है, और लेकिन इसको ध्यान से पढ़ो। चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ वर्ड देखते हैं, ठीक है, तो आगे कुछ वर्ड देखते हैं, पहले इसको आप पॉज करके नोट कर ले, ठीक है चलो। आगे वर्ड है केयर मॉर्फोसिस ना, केयर, केयर मॉर्फोसिस है, केयर मॉर्फोसिस, केयर मॉर्फोसिस। तो देखो केयर में सबसे पहले कोर, सॉरी बच्चों और गलत हो गया मेरा थोड़ा सा, कोर मॉर्फोसिस वर्ड था, कोर मॉर्फोसिस, तो कोर मीन्स आप लोग जानते हो कोर होता है अर्थ का, अर्थ का कोर है ना, कोर मीन्स क्या हो गया सेंटर, और मॉर्फ मीन्स तो मैं बता दिया स्ट्रक्चर, ओ मीन्स ऑफ है ना, ओ मीन्स ऑफ, इस मीन्स, इस मीन्स मॉर्फ मीन्स शेप है ना, इसका मीन्स प्रोसेस, तो इसका मीनिंग आप लोग खुद निकाल सकते हो, ठीक है। तो केयर ऑफ वन सेट ना क्या हो जाएगा, केयर ऑफ वंस हार्ट, देखो क्या बोलते हैं कि हार्टली सेंटर अपने पूरे बॉडी का, पूरे थॉट प्रोसेस का, नहीं बोलते हैं कि यार हार्टली किसी चीज को बोलो, हार्टली आप उस चीज को एब्जॉर्ब करो, किसी चीज को पढ़ाई करो तो हार्टली करो, मतलब पूरा मान के करो कि मुझे ये करना है, हार्टली किसी चीज को मतलब ट्रूली, तो वही है केयर ऑफ वन सेट, समझ रहे हो ना मेरी बात, केयर ऑफ वन सेट मीन्स कोर मॉर्फोसिस, केयर ऑफ वन सर, ठीक है चलो आगे देखते हैं। देखो अभी तो हम लोग मॉर्फ के बारे में पढ़ रहे थे, मॉर्फ एक लिए थे उसी को डिस्कस करके इतने सारे वर्ड बना लिए, तो आगे देखते हैं हम लोग पॉली, पॉली देखते हैं, पॉली आप लोग जानते हैं पॉली मीन्स क्या होता है, पॉली का मतलब क्या होगा भाई, चलो देखते हैं, अब देखते हैं पॉली, नया वर्ड आपका आ गया है पॉली। तो पॉली का दो मीनिंग होता है, ठीक है, एक तो मीनिंग होता है इसका मेनी, अब आप लोग सोचोगे मेनी फिर मल्टीपल दोनों एक ही है, ठीक है बताऊंगा, मल्टीपल मेनी मल्टीपल दोनों इसका मीनिंग होता है, ठीक है, पॉली मीन्स मेनी या मल्टीपल, आप लोग भी जानते हो। तो पहला वर्ड देखते हैं, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो क्लास सेकेंड, पॉलीगन, पॉलीगन, पॉलीगन। तो देखो पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, मेनी, गॉन मीन्स, गॉन मीन्स आपका होता है एंगल, क्या होता है एंगल, गॉन मीन्स एंगल या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, तो आपका मेनी हो गया पॉली, और गॉन मीन्स एंगल या मैग्नीट्यूड, तो वो आपका हो गया पॉली, बहुत सारे एंगल से जो चीज बना हो पॉलीगॉन, ठीक है, तो क्या हो गया मेनी एंगल आर साइडेड, इस पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं, मेनी एंगल्स, और मेनी एंगल्स आर, मेनी एंगल्स आर साइड्स, इसको क्या बोलते हैं पॉलीगॉन, आप लोग भी जानते हो पॉलीगॉन जानते हो आप लोग, ठीक है चलो। तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, आप लोग को भी पता है कि ये किससे, किस चीज से रिलेटेड, ये रिलेटेड है ज्योमेट्री से। चलो आगे देखते हैं पॉलीगेनी, पॉलीगेनी, पॉलीजेनी बोल सकते हैं इसको, पॉलीजेनी ही बोलते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन था, ये पॉलीजेनी। तो देखो पॉली मीन्स मैं बताया कि मेनी, अच्छा देखो जेनी एक नया वर्ड आ गया, तो जेनी को देखो समझते हैं, GENY, जेनी, देखो जेनी रिलेटेड है आपके जनरेशन से, जेनी किससे रिलेटेड है आपके जनरेशन से, ठीक है, जैसे जेनी से क्या बना, जेनेसिस, जेनेसिस, ठीक है, जनरेशन का प्रोसेस ना, जनरेशन
करेक्टर्स, क्या बोलेंगे इसको, जेनेसिस मीन्स जनरेशन, जनरेशन करेक्टर्स, करेक्टर्स। सिस मीन्स प्रोसेस या सिस्टम, या जनरेशन कैरेक्टर्स, जनरेशन कैरेक्टर्स मीन्स जेनेसिस। वही जेनी का मतलब क्या होता है, जेनेसिस, जनरेशन कैरेक्टर्स, प्रोसेस। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, द स्टेट ऑफ मेनी प्रोड्यूसर, क्या हो जाएगा, द स्टेट ऑफ मेनी प्रोड्यूसर्स, द स्टेट ऑफ मेनी प्रोड्यूसर्स टू और मेनी, टू और मेनी इंडिपेंडेंट पेयर्स, इंडिपेंडेंट पेयर्स, पेयर्स ऑफ एनसेस्टर्स, ऑफ एनसेस्टर्स। देखो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉलीगोनी कौन होगा, हमारे इंसेस्टर्स मीन्स हमारे जनरेशन के कैरेक्टर्स जो हैं किससे आए, एंसेस्टर, एंसेस्टर, एंसेस्टर से ही पॉलीगोनी, बहुत सारा जनरेशन को जो बनाया हो वो क्या हो, पॉलीगोनी। ठीक है, समझ गए, एंसेस्टर्स। ठीक है, तो पॉलीगोनी आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखो आगे चलते हैं और इसको समझ, पॉलीथीन पढ़ते हैं। पॉलीथीन आप लोग जानते हो पॉलीथीन क्या होता है, एथीन एथिलीन से बनता है, कुछ ऐसा होता है, आप इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन देखे हो आप लोग, क्या जीवन में कभी पॉलीथीन देखे हो, पॉलीथीन कहाँ होती है, कैसे होती है, नहीं जानते, चलो मैं बताता हूँ क्या पॉलीथीन होता है। देखो पॉलीमिस तो हो गया आपका मेनी या मल्टीपल, मल्टीपल। अच्छा आप लोग को थीन मिस जानते हो, ये किससे बना है, एथीन, एथीन है ना, एथीन होता है कि नहीं, तो मेनी मल्टीपल एथीन के लेयर से जो बने, देखो एथीन इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह का शेप हो, वो इस तरह से मिल मिल के लेयर बाय लेयर बने, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। मीन्स बहुत सारी एथिलीन के, एथीन के लेयर से जो बने उसको बोलेंगे पॉलीथीन। आपको पता है इसको लगभग 1000 साल लग जाएगा डीकम्पोज होने में। अच्छा देखो डीकम्पोज आ गया, तो डीकम्पोज को समझ लेते हैं। देखो डीकम्पोज, अच्छा देखो सबसे पहले देखो कि कंपोज मीन्स क्या होता है, किसी चीज का, किसी चीज को मेक, बनाना, बना देना। ठीक है, और डी मीन्स क्या होता है कि वापस उसको नहीं पा पाना, मतलब डी का मतलब क्या हो गया, निगेटिव केस, आउट। डी मीन्स आउट होता है, मीन्स उसको मेक बना लिया लेकिन उसको आउट नहीं कर सके, उसको खत्म नहीं कर सके, तो आउट, जिसको ने, जिसको बनाए फिर उसको आउट नहीं कर सके, तो डीकम्पोज हो गए। समझ गए आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखो पॉलीथीन का मतलब क्या होता है, मेनी एथिलीन, देखो क्या हो जाएगा, मेनी एथिलीन की स्पेलिंग थोड़ा सा आपका गलत हो गया, एथिलीन, एथिलीन, मेनी एथिलीन सेड स्पेशली, सेड स्पेशियली, सेड स्पेशियली ऑफ द पॉलीमराइज्ड एथिलीन, ऑफ द पॉलीमराइज्ड एथिलीन। पॉलीमराइज मीन्स क्या होता है कि उनको बंडल, मतलब इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे करके पॉलीमराइज कर दिया गया, और उससे क्या बन गया, पॉलीथीन। देखो एक्चुअल में इसका रियल मीनिंग यही है, पॉलीथीन का। अगर कोई आपको पूछे पॉलीथीन का मतलब क्या होता है, तो बोल दो सिंपल सा कि एथीन के स्ट्रक्चर से जो बना हो ना, लेयर बाय लेयर एथीन के जो स्ट्रक्चर से बना हो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीथीन, मेनी एथिलीन, मेनी एथीन। चलो अब आगे देखते हो आप लोग को मैथमेटिक्स का एक ना चैप्टर ही होता है 11th में, पॉलीनोमियल, सुने हो ना, पढ़े हो पॉलीनोमियल, उसका आज अर्थ समझते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, बस मैथ में ही नहीं होता, बहुत जगह होता है। देखो पहले तो देखो पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी। देखो नो, नोमी, नोमी मीन्स होता है ने, देखो नोमी मीन्स क्या होता है, नोमी मीन्स होता है नॉमन क्लेचर, नोमेन, नोमी मीन्स नोमेन, और नोमेन क्लेचर आप लोग सुने हो भाई, केमिस्ट्री में नोमन क्लेचर, तो नोमन क्लेचर मीन्स क्या होता है, ने, बहुत नाम, बहुत सारे नाम, पॉलीनोमियल। तो इसका पॉलीनोमियल भाई आपका नाम हो सकता है, आपका चिंटू पिंटू, चिंटू मिंटू है ना,
ये सब चीजें घर में नाम होता है, तो आप अपने आप को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो। आपका घर में बहुत सारा नाम है तो पॉलिनोमियल हो सकते हो आप ना, बहुत सारे नाम जिसके हो, तो क्या हो सकता है इसका, हैविंग मेनी नेम्स, हैविंग मेनी नेम्स। खुश होके पढ़ो, खुश होके पढ़ोगे तो सारी चीजें क्या इजी लगेंगी, दुखी होके पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका मैं देखो, आप जब खुश रहते हो तो आपका ब्रेन ज्यादा काम करता है, दुखी होते हो तो आपका हर्टली ना सारा कुछ अटैचमेंट आपके हर्टली हो जाता है, ब्रेन और हार्ट दोनों काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो, हैविंग मेनी नेम्स, ठीक है, हैविंग मेनी नेम्स, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। एक्चुअल में मैथमेटिकली यूज करते हैं, मैथमेटिकल टर्म है, तो मैथमेटिकल तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है, मैथमेटिकल्स में इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, तो बाकी ये जानते रहो, जिसका बहुत सारा नाम है पॉलिनोमियल्स। चलो चलो आगे देखते हैं, कुछ वर्ड और देखते हैं, आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करो आप लोग, यार देखो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, आप लोग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करो, या तो कोई गलती है तो उसको भी कमेंट करो कि कुछ सुधार करूं मैं और अच्छा करूं। ठीक है, देखो अब एक वर्ड और देखते हैं, पॉली एंड्रियम, पॉली एंड्रियम, पॉली एंड्रियम, तो पॉली एंड्रियम का मीन्स क्या होता है, पॉली मीन्स क्या होता है, देखो पॉली एंड्रियम है, पॉली एंड्रियम, देखो एक चीज और है, पॉली मीन्स तो मैं समझा दिया आप लोग को अब कि पॉली मीन्स क्या होता है, मिनी होता है ना, पॉली मीन्स मिनी। अब देखो आपको कहीं एंड्रियम वर्ड आ जाए ना, एंड्रियम, एंड्रियम ना, एंड्रियम वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो एंड्रियम कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, मैन ना, एंड्रियम का मतलब मैन। और अगर यहीं पे आपका जी वाई एन आई गिनी आ जाए तो गिनी का मतलब क्या होगा, ओमेन, ओमेन, ओमेन। ठीक है, अच्छा देखो अगर ओमेन का हम ओमेन का क्या बनाए, प्लूरल बनाए तो वीमेन बोलते हैं, वीमेन, ठीक है, वीमेन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब अच्छा देखो इसी के साथ अगर हम पॉली जोड़ दें, इसी के साथ हम अगर हम पॉली जोड़ दें है ना, इसी के साथ अगर हम पॉली जोड़ दें तो इसका मतलब क्या हो गया, मेनी मैन, मेनी ओमेन, या उसी को क्या बोलेंगे, ओमेन बोलेंगे, वीमेन। ठीक है, तो पॉलीएंड्रियम मींस, पॉलीएंड्रियम मींस ऐसा प्लेस जहां पे बस मैन मैन ही रहे। ठीक है, अ प्लेस फॉर मेनी मैन, क्या हो जाएगा, अ प्लेस फॉर मेनी मैन, एक ऐसा प्लेस जहां पे क्या हो, पॉलीएंड्रियम मतलब सारे सारे मैन रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रियम। ठीक है, चलो एक चीज और देखते हैं, पॉलीस्कोप, देखो इससे बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, एक वर्ड है नया, उसको देखते हैं, वो क्या है, पॉलीस्कोप। पहले इसको आप नोट करते चलो ना, बिल्कुल नोट करते चलो, साथ साथ आप लोग सुनोगे भूल जाओगे। ठीक है, देखो पॉलीस्कोप, आप टेलीस्कोप देखे हो, चलो सब देखेंगे इसमें ना, सब देखेंगे, छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी चीज। ठीक है, पॉलीस्कोप, देखो पॉली मीन्स क्या होता है, पॉली तो आप लोग जानते हो मीनिंग, पॉली मीन्स मेनी, स्कोप वर्ड आ गया तो स्कोप मीन्स होता है व्यू, तो बहुत सारे व्यू, मेनी व्यूज, क्या बोलेंगे, मेनी व्यूज, बहुत सारे ना व्यू, बहुत सारे व्यू को क्या बोलेंगे, पॉली स्कोप। या तो इसको बोल सकते हैं कि बहुत सारे दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं ना सबके, अपने लाइफ में मतलब इस दुनिया में एक ही पॉइंट पे एक ही सोच पे सबके क्या होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, मेनी व्यू, तो उसको बोलेंगे पॉलीस्कोप। जैसे अभी कोरोना को लेके अलग अलग इंसान के ब्रेन में अलग अलग थॉट्स है, अलग अलग व्यूज है, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीस्कोप, समझ गए ना, पॉलीस्कोप मीन्स मेनी व्यूज या डिफरेंट व्यूज। ठीक है, तो चलो कुछ चीजें आगे देखते हैं, देखो एक होता है आपका स्कोप मीन्स, तो आप समझ गए कि स्कोप मीन्स क्या होता है, व्यू है ना, अगर मैं इसके साथ टेली जोड़ दिया तो टेली मीन्स क्या होता है, आप लोग पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड है, टेली मीन्स दूर, डिस्टेंस, डिस्टेंट, तो यहीं पे मैं अगर जोड़ दूं, अगर इसके साथ इसको मैच कर दूं, मतलब जोड़ दूं कि टेली, टेली जोड़ दिया, स्कोप इसके साथ जोड़ दिया, तो मतलब दूर से जो चीजें आए, दूर से जो चीजें मतलब इसको मतलब अगर हिंदी में समझे तो क्या होगा, दूर का नजारा, आपके टीवी पे आपके द्वार, टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप हो गया। अच्छा एक चीज और देखते हो, माइक्रोस्कोप, माइक्रो, माइक्रो इसको जोड़ दिए, स्कोप,
तो माइक्रोस्कोप मीन्स, माइक्रो मीन्स छोटा, अब भाई ये मीन्स भी तो छोटा भी, ठीक है भाई, इसके साथ मैक्रो जोड़ दिया, MSERO, मैक्रोस्कोप, मैक्रो मीन्स थोड़ा, बिग बड़ी बात हो गई, ये मीन्स व्यू तो बड़ा व्यू, ये स्मॉल व्यू, तो आई थिंक समझ गया ना। देखो स्कोप लेके कितने वर्ड बना लिया, माइक्रोस्कोप, मैक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप ना, पॉलीस्कोप, आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलो आज यहीं तक क्लास रखते हैं, बाकी आप लोग को अगर अच्छा लगे या तो कोई आप लोग को कोई भी मीनिंग में प्रॉब्लम हो तो उसको जरूर पूछो, आप लोग कमेंट करो, मैं आगे भी और इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा हमेशा, आई विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, तो आप लोग अगर कमेंट करोगे तब मैं और इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू क्लास।